आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी रिव्यू करिए। दोस्तों, महान लोगों की बायोग्राफी रिव्यू करने में टाइम लगता है। वॉल्ट डिज्नी जो कि इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, मैं इनकी क्या बात करूं, मेरे आइडल रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी की अगर हम बात करें, इनकी कहानी को देख के ये लगता है अगर ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। आपको बस जरूरत है हार्डवर्क और एक आइडिया की। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप में कला है, हुनर है, डिटर्मिनेशन है, एक आइडिया है, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वॉल्ट डिज्नी इसकी जीती जागती मिसाल है। आप इनके कोट्स पढ़ लीजिए जो इन्होंने बोला है। 70% मोटिवेशन तो वहीं से ही आ जाएगी। मैं बहुत कार्टून देखता हूं दोस्तों, आज भी देखता हूं, अभी भी देखता हूं। मुझे याद है, वैसे तो मेरा फेवरेट कार्टून ड्रैगन बॉल जी है, लेकिन मैंने जो अपने जीवन की शुरुआत की थी वो डिज्नी से ही की थी। डिज्नी यार आता था ना, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, प्लूटो, ये सारे के सारे कैरेक्टर, स्नो वाइट, है ना। वैसे मेरा फेवरेट डोनाल्ड डक था। आपका फेवरेट कौन सा था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको डिज्नी का कौन सा कैरेक्टर सबसे पसंद है? और आपको पता होना चाहिए कि मिकी माउस की जो आवाज है वो खुद वॉल्ट डिज्नी ने दी थी। ये बोलते हैं मेरा अल्टर ईगो था मिकी माउस जो है। तो आज हम वॉल्ट डिज्नी की बात करेंगे, इनकी कहानी देखेंगे, कितना कुछ झेला, कितना स्ट्रगल किया और उसके बाद इनको सक्सेस मिली है। कई बार उतार चढ़ाव देखे, कई बार उतार चढ़ाव आए। एकेडमी अवार्ड 59 नॉमिनेशंस और 22 बार इनको एकेडमी अवार्ड मिला, कमाल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी हम देखने वाले हैं। सेरेंड्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, अपने नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों, अगर वॉल्ट डिज्नी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है, शिकागो इलिनॉय में ये जन्मे थे, 5 दिसंबर 1901 में। ज्यादातर जो इनका चाइल्डहुड है वो मिसौरी में ही बीता, लेकिन इनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छा नहीं था, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इनको, ठीक है। बचपन में काफी कुछ झेला। इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, पिता माता सब बहुत बढ़िया पेरेंट्स इनको मिले थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे। इनके परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वॉल्ट डिज्नी को स्कूल में भेज सके, अच्छे स्कूल में भेज सके, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बचपन से ही स्ट्रगल करते थे, लेकिन एक टैलेंट था इनके पास, और वो टैलेंट था, ये थे आर्टिस्ट। ये ड्राइंग बहुत बढ़िया करते थे, ये घरों के फ्लोर, जो इनका घर था, जमीन पे ड्रॉइंग बना रहे हैं, दीवारों पर ड्रॉइंग बना रहे हैं। एक बार तो इन्होंने अपने घर की दीवार बर्बाद कर दी थी, तो पिताजी ने बड़ा डांटा था इनको। तो ऐसे थे ये, और जब आस पड़ोस के लोग ये टैलेंट देखते थे तो वॉल्ट डिज्नी को पैसे देते थे कि बेटा मेरे लिए भी बना दो। हालांकि वॉल्ट डिज्नी ये जो आर्ट है ये पैसे के लिए नहीं करते थे, तो खुशी के लिए करते थे। इनके बगल में एक बार्बर था, एक नाई था, तो जब वॉल्ट डिज्नी को वो देखता था, बोलता था मेरे लिए भी आर्ट बना दो, तो वॉल्ट डिज्नी एक ड्रॉइंग बना के उसको दे देते थे, बहुत ही खूबसूरत स्केच बना के उसको देते थे। तो वो पैसे के लिए नहीं देते थे, वो इसलिए देते थे क्योंकि वो जो फ्रेम था वो अपनी दुकान में वो लगा देता था। तो वॉल्ट डिज्नी इतने ज्यादा टैलेंटेड थे, ये टैलेंट था। इनके पास पैसा नहीं, इनके पास शौहरत नहीं, इनके पास कोई सुविधा नहीं, लेकिन सिर्फ एक टैलेंट था, क्या, कि पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाते थे, जीनियस थे। और उसके बाद जब जिंदगी को इन्होंने झेलना शुरू किया, असली प्रॉब्लम से इनका सामना हुआ, बड़ी दिक्कत आई। 1911 जब ये 10 साल के थे तो इनका जो परिवार था वो कैंसास सिटी में शिफ्ट हो गया और वहां पर रहने लगे। अब इनके पिताजी इधर उधर के बिजनेस करते थे, पेपर्स भी बेचते थे, मैगजीन भी बेचते थे। तो वॉल्ट डिज्नी, वैसे आपको बता दूं कि वॉल्ट डिज्नी के चार भाई, मतलब तीन, जो इलियास डिज्नी के पिताजी हैं, चौथे बेटे हैं वॉल्ट डिज्नी, तीन बेटे और एक बेटी। और यहां पे वॉल्ट डिज्नी सबसे ज्यादा क्लोज अपने पिताजी से नहीं थे, वो सबसे ज्यादा क्लोज अपने भाई से थे, जिनका नाम था रॉय। रॉय से वो सारी बातें शेयर करते थे, और बाद में रॉय और वॉल्ट डिज्नी की जोड़ी ने मिलकर धमाल मचा दिया। इन्होंने ही डिज्नी स्टूडियो को खोला, इन्होंने ही कार्टून्स बनाए, दोनों भाई ने, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं कि शुरू में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इनको, इनके पिताजी पेपर्स बेचते थे, ठीक है। अब यहां पे घर में पैसे नहीं थे, ठीक है, घर में पैसे नहीं, पैसे चाहिए, पिताजी के पास कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं थी। तो वॉल्ट डिज्नी और इनके भाई सुबह 4:30 बजे उठते थे, पेपर्स मैगजीन इकट्ठा करते थे, सुबह 4:30 बजे उठ के पेपर्स बेचते थे, उसके बाद वॉल्ट डिज्नी और इनके भाई रॉय घर आते थे, फिर स्कूल जाते थे,
स्कूल से 3:30 बजे तक घर आते थे, थोड़ा आराम करते थे, फिर 4:30 बजे ये पेपर्स और मैगजीन बेचने निकल जाते थे, और फिर ये रात में घर आते थे, और फिर सुबह 4:30 बजे उठते थे। ये कम से कम 6-7 सालों तक चला है, ठीक है ना। ये बहुत, जब तक वॉल्ट डिज्नी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए तब तक ये चला है। बहुत जल्दी वॉल्ट डिज्नी को सक्सेस मिली थी, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला था, उन्होंने जिंदगी से एक्सपीरियंस लिया था। वो दुनिया ट्रैवल कर रहे थे। कैसे दुनिया ट्रैवल कर रहे थे? वो ट्रेन में घूम रहे थे, भले ही ये बहुत ही मुश्किल, बहुत कुछ करते थे समय वॉल्ट डिज्नी पैसे कमाने के लिए। वो ट्रेन्स में जाके चॉकलेट्स बेचते थे, कैंडी बेचते थे, ठीक है ना, डोर टू डोर सेलिंग करते थे वॉल्ट डिज्नी और इनके दोनों, इनके जो भाई, ताकि पिताजी का हाथ बटाया जा सके और फैमिली में कुछ पैसा आए। इसीलिए दोस्तों प्रॉब्लम ये होती थी, जब ये स्कूल जाते थे इतना थक जाते थे कि स्कूल में सो जाते थे, और बड़ी डांट पड़ती थी इनको स्कूल में कि ये तो स्कूल में सो रहा है। तो ज्यादा पढ़ने लिखने में इसीलिए अच्छे नहीं थे, वक्त ही नहीं मिलता था पढ़ने लिखने का। लेकिन वही है, टैलेंट इतना जबरदस्त था, अपने टैलेंट को जो यूटिलाइज कर ले गया उसकी जिंदगी सफल, ठीक है। तो ये सब, ये शुरुआती स्ट्रगल था जो कि बहुत ज्यादा था वॉल्ट डिज्नी का, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं, इनको ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है, और इन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने पैशन से तो कभी समझौता नहीं करूंगा। आस पड़ोस के लोग पैसे देते थे, इनकी पेंटिंग्स ले जाते थे, ये उनके लिए ड्रॉ करते थे, ठीक है। 16 साल के थे तब डिज्नी ने ये सोचा कि अब मैं स्कूल को ड्रॉप कर दूंगा, और ऐसा है अब कुछ बड़ा करने की जरूरत है। इसी समय वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया तो वॉल्ट डिज्नी ने आर्मी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अमेरिकन आर्मी के लिए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एज उतनी नहीं थी। कॉन्स्क्रिप्शन होता तो समय आज भी है, ठीक है, जब भाई युद्ध होता था पहले तो भैया आओ अपनी सेवा दो और शहीद हो जाओ, ठीक है, खैर देश के लिए सब करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो काफी कम उम्र थी। उसके बाद इन्होंने रेड क्रॉस के लिए अप्लाई किया, यहां पे उम्र में इन्होंने फेर बदल किया और इनको फ्रांस भेज दिया गया, वहां पे इन्होंने एम्बुलेंस चलाई, फिर अमेरिका ये वापस आए। इसी बीच दोस्तों इन्होंने शिकागो एकेडमी में, जो फाइन आर्ट्स की एकेडमी है, उसमें इन्होंने कोर्स लिया था, ये नाइट कोर्स था, इन्होंने कोर्स लिया था, ठीक है, कि अपनी कला को और ज्यादा निखारा जा सके। सब कुछ हुआ, उसके बाद फाइनली वॉल्ट डिज्नी ने बोला कि बहुत हो गया, अब मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिस्ट और अपने आर्ट को और ज्यादा निखारूंगा। अब यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि इनका जो भाई है वो एक सेल्समैन था, जो रॉय, जिनसे बहुत क्लोज थे वॉल्ट डिज्नी, जिनकी मैंने अभी बात की थी। तो इनका भाई क्या बोल रहा है, देखो एक काम करो डिज्नी, वॉल्ट तुम मेरी नौकरी ले लो, तुम भी सेल्समैन हो जाओ, डोर टू डोर सेलिंग करो, इससे फायदा होगा क्योंकि अभी तुम्हारा करियर, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी अब वक्त जो है वो निकलता जा रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, और एनिमेशन का जो बिजनेस था आज तो बहुत बड़ा है लेकिन उस समय इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। तो यहां पे ये सजेशन दिया था वॉल्ट डिज्नी को रॉय ने कि एक काम करो, तुम भी सेल्समैन हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा काम शायद ना चले तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो वॉल्ट डिज्नी इस सजेशन को सीरियसली लेने लगे, अच्छा हुआ बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, वरना हमको कभी भी मिक्की माउस मिलता ही नहीं। लेकिन फाइनली इनके भाई की थोड़ी सी जान पहचान थी पेसमैन रुबिन आर्ट स्टूडियो में, वहां पे वॉल्ट डिज्नी को इन्होंने जॉब दिला दी और वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया और बहुत कुछ सीखा। वहां पे इन्होंने कार्टून को बहुत ही बारीकी से सीखा, एक एक एंगल को स्टडी किया, कैमरा वर्क को स्टडी किया, नई आर्ट्स को स्टडी किया, और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी ही एड कंपनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने अपना ही एनिमेशन बिजनेस खोल लिया और बोला कि अब हटाओ सब कुछ, मैं खुद से काम करूंगा, और अपने भाई को भी कन्विंस कर लिया। भाई ने सोचा यार ये तो बड़ा बेकार आइडिया है, मेरी अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अब बेकार मैं अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे साथ आऊंगा, सब डूब ना जाए। वॉल्ट डिज्नी बोला बिल्कुल नहीं, तुम आओ तो मेरे साथ, आइडिया मेरे पास है, फंडिंग तुम कर देना। तो यहां पे जो इनका बिजनेस था, इनके जो भाई और वॉल्ट डिज्नी ने स्टार्ट किया था, मेन आइडिया तो वॉल्ट डिज्नी का था। वॉल्ट डिज्नी जो थे वो क्रिएटिव हेड थे, आइडिया क्रिएटिविटी वो सब वॉल्ट डिज्नी करेंगे। इनका भाई क्या कर रहा था, फाइनेंस को देख रहा था, फंडिंग कहां से आएगी, कैसे मैनेज करना है, तो ये सब कुछ। और इन्होंने पहले एम्प्लॉय फ्रेड हरमेन को एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय जो है वो यहां पे मतलब इस पास में लेके आए, ठीक है। लेकिन अभी तक पहला फेलियर, अभी तो बहुत छोटी उम्र है ना, कितने साल के, खाली अभी 19 साल के, अभी तो बहुत छोटी उम्र है, अभी तो भैया इनको फेलियर्स देखने पड़ेंगे। वॉल्ट डिज्नी ने भी फेलियर्स देखे और बड़े खतरनाक फेलियर्स देखे। पैसे थे नहीं, ऑफिस तो खोल लिया, एम्प्लॉयज थे नहीं, अब पैसे नहीं है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, क्या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो क्या पता क्या करते थे, ये पैसों को बचाने के लिए ऑफिस में ही सोते थे, ठीक है, एक दो टाइम की मील स्किप कर देते थे, ये स्टेशन पे नहाते थे, घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, घर अफोर्ड करते तो पैसा चला जाता, तो
ये सब बड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने, शुरुआती जीवन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है इनका। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कार्टून्स बनाने शुरू किए, ठीक है। पहले इन्होंने लाफोग्राम्स, ये इस नाम से थोड़े से एनिमेशन बनाए, ठीक है। ये वो वाले एनिमेशन मूविंग एनिमेशन नहीं थे, हालांकि वॉल्ट डिज्नी ने मूविंग एनिमेशन और जो एनिमेशन में आवाज देनी वॉल्ट डिज्नी ने शुरू की, लेकिन अभी खाली वो सिंपल जो होते हैं, ठीक है, सिंपल कार्टून इन्होंने बनाए और काफी पॉपुलर होने लगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं लाफोग्राम जो था इनका, मतलब इन्हीं की कंपनी थी, ठीक है, लाफोग्राम, ठीक है, छोटी सी, यहां पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एक काम करो, 7 मिनट्स के कार्टून बनाओ, और उसको बोला गया एलिस इन कार्टून लैंड। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कार्टून है इसमें आवाज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कार्टून। आप देखिएगा 1920s में किस तरीके के कार्टून होते थे, बड़े से ही सिंपल कार्टून है, कोई ऐसा नहीं आवाज हो रही जैसे आज आप कार्टून में देखते हैं ना, वो तो बिल्कुल रियल लगते हैं, वैसे नहीं थे ये। तो एलिस इन कार्टून लैंड, ये एनिमेशन बनाने का इनको काम मिला, और ये फेरी टेल्स थी जिसमें एक्शन भी था, एनिमेशन भी था, और बड़े कॉमेडी भी थी, और ये इन्होंने 7-7 मिनट के कार्टून बनाने शुरू किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे दोस्तों पैसा इतना ज्यादा हो गया था 1923 तक, इनको भले ही यहां पे ये सीरीज मिल गई है, लेकिन जब सीरीज मिल रही है, ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा भी चाहिए, ठीक है, आपको डिलीवर करना, आपको पैसा भी चाहिए, आपको एम्प्लॉय भी चाहिए, तो एम्प्लॉय को भी पैसा देना है। तो यहां पे इनकी कंपनी जो है उसने इतना ज्यादा पैसा ले लिया था कि वो कर्जा नहीं चुका पाई, और पहला फेलियर झेला वॉल्ट डिज्नी ने, अपनी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, बैंकरप्सी फाइल कर दी, और अपनी कंपनी को बंद करके चले गए। जेब में थे $20 और बस एक छोटा सा बैग, और कुछ नहीं बचा था यहां पे वॉल्ट डिज्नी के पास। पहला फेलियर उन्होंने देख लिया, अब क्या करें। अब वॉल्ट डिज्नी ने बोला बहुत हो गया, अब हम चलेंगे हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड। हॉलीवुड कहां पे है? लॉस एंजलिस, LA, लॉस एंजलिस, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। जैसे भारत में सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को बोला जाता है ना, वैसे ही दुनिया में सिटी ऑफ ड्रीम्स लॉस एंजलिस को बोला जाता है। हॉलीवुड स्टार बनेंगे, चलो हॉलीवुड। वहां पे चार्ली चैपलिन स्टूडियो के पास इन्होंने काफी कुछ ऑब्जर्व किया, मतलब वहां पे गए और स्टूडियो को देखा, डायरेक्शन सीखा कैसे होता है, एक एक चीज इन्होंने बड़ी बारीकी से, पहले वॉल्ट डिज्नी बहुत अच्छे से स्टडी करते थे कोई भी काम करने से पहले, और उसके बाद उस काम में घुसते थे, समझ रहे हैं। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ये कार्टूनिस्ट उपवर्क से मिले 1923 में, और उसके बाद इन्होंने फाइनली वॉल्ट डिज्नी के टैलेंट को पहचाना, और इनको बोला देखो न्यूयॉर्क में, अब इन्होंने अपना ऑफिस भी न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि एक डील साइन की कि तुम्हारे एलिस कार्टून्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, समझ रहे हैं। और यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर थी मार्गरेट विंकलर, ठीक है, ये भी बहुत ही कमाल की थी। डिस्ट्रीब्यूटर की आपको जरूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटर पता है कि ना कौन होते हैं? मान लीजिए आपने कोई बहुत बढ़िया आइडिया, चलिए मूवीज में ही बात कर लेते हैं, आपकी बहुत बढ़िया मूवी आपने बनाई है, स्क्रिप्ट है आपके पास, जैसे वॉल्ट डिज्नी के साथ उनके पास कार्टून है, तो भैया कार्टून्स तो है लेकिन उसको कैसे आप दूसरों तक ले जाए, बड़े बड़े लोगों तक कैसे ले जाते हो, क्या करता है, कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर करेगा आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास कॉन्टैक्ट लेके आएगा बड़े बड़े लोगों के, और उसके बाद आप अपने कार्टून्स को बेचेंगे या जो भी आप करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्गरेट विंकलर बहुत ही कमाल के डिस्ट्रीब्यूटर, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट आए, और एलिस कार्टून्स जो थे जिसकी वजह से इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी, अब वही इनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। तो एलिस कार्टून्स के लिए इन्होंने डील साइन की, और उसके बाद बहुत ही जल्द इन्होंने ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट को इन्वेंट कर लिया, $1,500 ईच, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के $1,500 एक शॉट के, ठीक है, ये कमाल हुआ। और उसके बाद यहां से फिर से वॉल्ट डिज्नी के करियर ने छलांग मारी, और बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि इन्होंने अपना ही स्टूडियो खोल लिया जिसको डिज्नी ब्रदर्स बोला गया, और कुछ वक्त बाद ये डिज्नी ब्रदर्स को चेंज करके वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो रख दिया गया, जो आज भी मूवीज बनाता है और खरबों रुपए कमाता है। अभी उनकी मूवी आई थी ना, आती रहती है हमेशा, डम्बो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वो भी वॉल्ट डिज्नी। तो यहां पे ये सब कुछ हुआ। तो पहले तो इन्होंने एकदम से ये नीचे गिरे, कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर कला और दिमाग इतना बढ़िया था, कमाल किया। और साथ ही साथ इनके भाई ब्रदर रॉय ने बहुत ज्यादा मदद की, रॉय ने अपने भाई का बहुत अच्छे से, भाई हो तो ऐसा, इतना ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया। और देखते ही देखते इनके स्टूडियो में ढेर सारे एम्प्लॉयज आने लगे, ठीक है, 100 से 200, फिर 600, फिर 1200, ऐसे हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो काम करने लगे। वॉल्ट डिज्नी काम से कभी समझौता नहीं करते थे, हालांकि वॉल्ट डिज्नी अपने आप को कभी बॉस नहीं कहलवाते थे,
इनके स्टाफ जो हैं, इनके स्टाफ का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो इनको वॉल्ट कहते थे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी का काम करने का जो तरीका था बड़ा ही ऑब्सेसिव था, ऑब्सेस रहते थे अपने, ऑब्सेस्ड थे वो अपने वर्क से। अगर उन्होंने कोई काम दे दिया तो काम करके लाओ, वरना बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती थी। एक बार तो इनका पूरा का पूरा स्टाफ स्ट्राइक पे चला गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे जैसे पैसा आया तो वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहले अपना घर खरीदा, वॉल्ट डिज्नी और इनके भाई ने घर खरीदा, 1925 में इनकी शादी भी हुई और फिर कार खरीद ली। ये देखिए सबका ये सपना होता है कि जब पैसा आएगा तो सबसे बढ़िया तो एक अच्छा सा घर लेंगे, जिनके पास घर नहीं, और उसके बाद जिनके पास घर है वो तो सीधा कार लेंगे, और जिनके पास घर नहीं हो पहले घर और उसके बाद आलीशान कार। तो ये वॉल्ट डिज्नी का जो सपना है वो पूरा हो गया, और उसके बाद एक के बाद एक कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्वेंट होने लगे। ये वॉल्ट डिज्नी ने इन्वेंट करने शुरू कर दिया, और 1926 आते आते वॉल्ट डिज्नी एक बहुत ही बड़ा स्टूडियो हो गया था, ठीक है। और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो जो है हर जगह फैलने भी लगा था, लेकिन इतना आसान नहीं था। वॉल्ट डिज्नी ने स्टूडियो तो खोल लिया, लकी द रैबिट बना लिया, लेकिन आप इसी काम को, एक काम को और बहुत वक्त तक तो चला नहीं सकते, लोग बोर हो जाएंगे। क्यों? अरे कंपटीशन भी तो है ना। तो वॉल्ट डिज्नी जब काम कर रहे थे तो भैया कंपटीशन भी था, फेलिक्स द कैट, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टून था, बड़ा ही फेमस कार्टून रहा है, और ये उस समय बड़ा फेमस हो रहा था। तो फेलिक्स द कैट जो है, अब इसको, इसको कैसे काउंटर करें, इसीलिए इन्होंने लकी द रैबिट बनाया इसको काउंटर करने के लिए। लेकिन असली तो भैया मिक्की माउस, मिक्की माउस, जी हाँ, मिक्की माउस जो कैरेक्टर था अल्टर ईगो वॉल्ट डिज्नी का, जिसकी आवाज खुद वॉल्ट डिज्नी ने, इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया, इसने क्रांति ला दी, समझ लीजिए, एनिमेशन इंडस्ट्री में। अब हम ये देखते हैं कि इसको ट्रेन में बनाया था, जब ट्रेन से वैसे भी ऑब्सेस थे वॉल्ट डिज्नी को, ट्रेन से बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और आप देखते होंगे जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं उसमें आपको ट्रेन मिलेंगी, जैसे लखनऊ में मैं रहता हूं, लखनऊ के जू में आपको ट्रेन, टॉय ट्रेन मिलेगी, वो भी आइडिया यहां पे वॉल्ट डिज्नी ने, वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाया तो उसमें ट्रेन्स का बहुत अच्छे से यूज किया, जो टॉय ट्रेन्स होती है, छोटी ट्रेन जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने, वॉल्ट डिज्नी को अब एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर चाहिए था जो कि कमाल कर दे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। और जब ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तब इन्होंने कार्टून, आर्ट तो बढ़िया थी और इन्होंने बनाना शुरू किया, तो इनको बड़ा अजीब सा एक कार्टून, इन्होंने एक छोटा सा चूहा बनाया, माउस बनाया, जिसके बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें और एक स्माइलिंग फेस, बस हो गया मिकी माउस का जन्म। मिकी माउस इन्होंने कोई और नाम, मॉर्मेटा जहां तक मुझे याद है, ठीक है, तो ये नाम सोचा था ये, तो इनकी बीवी ने बोला कि यार इतना बड़ा नाम है, ये बच्चों के लिए है तो इसको छोटा नाम, इनकी बीवी ने बोला इसको चेंज करके मिकी रखो, तो वहां से मिकी माउस का जन्म होता है। और उसके बाद मिकी माउस का जन्म हो गया, लेकिन यहां पर वॉल्ट डिज्नी एक विजनरी थे, उन्होंने सोचा कि अब हम इसको आवाज देंगे, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उस समय कार्टून्स में आवाज आती थी, लेकिन यहां पे इन्होंने बहुत लोगों को बुलाया। वॉल्ट डिज्नी खर्चा बहुत करते थे, वो अपने करियर, जो उनका पूरा करियर था, और जब भी वो इन्वेंट करते थे नए नए आइडिया से, वो कभी समझौता नहीं करते थे, जितना पैसा होता था वो फेंक देते थे। एक टाइम पे दोस्तों 1940 आते आते वॉल्ट डिज्नी की जो मूवी थी फैंटेसिया, उसमें तो इन्होंने, इनके स्टूडियो में बहुत सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं, साइंटिस्ट से मीटिंग करें, एडविन हबल तक आ गए थे, समझा गए थे स्पेस, पूरा स्पेस और टाइम कैसे काम करता है वो सब एडविन हबल समझा गए थे। तो हर कोई इनके स्टूडियो में आ रहा है और इनको एडवाइस दे रहा है। तो यहां पे वॉल्ट डिज्नी जो थे इतने बड़े विजनरी थे कि जब भी वो कोई काम करते थे पूरी तरीके से उसमें घुस जाते थे, समझ रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस बनाया और उसको आवाज देना शुरू किया। तो 18 नवंबर 1928 में यह पहली साउंड एंड म्यूजिक इक्विप्ड एनिमेटेड शॉर्ट मूवी स्टीमबोट विली, आप देखिएगा, बहुत ही क्यूट मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, लेकिन इसमें मिकी माउस की आवाज नहीं आ रही है, इसमें स्टीमबोट विली जो है ये बोट में मिकी माउस है, ठीक है, और बोट की आवाज आ रही है और म्यूजिक पीछे पीछे चल रही है। और जब ये थिएटर में लोगों को दिखाया गया न्यूयॉर्क में 18 नवंबर 1928 में, लोग पागल हो गए, लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। एक क्रिटिक्स लिखती हैं कि मैं तो अपनी सीट पे ही नहीं बैठ पा रही थी, जो थिएटर में सीट थी, इतना ज्यादा थ्रिल्ड थे हम लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कार्टून इतना बड़ा सेंसेशन हो गया कि हर किसी की जुबान पे मिकी माउस, और फिर वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को अपनी आवाज दी। लेकिन यहां पे दोस्तों इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर थी मार्गरेट विंकलर,
इन्होंने चार्ल्स मिंस जो कि उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उनसे शादी कर ली। यहां से फिर गड़बड़ होने शुरू हो गई। अब दोनों की जोड़ी ने यहां पे वॉल्ट डिज्नी के कैरेक्टर्स को खरीदना शुरू कर दिया एक एक करके। जब चार्ल्स मिंस ने इनके कैरेक्टर्स और इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को खरीदना शुरू किया तो इनको बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ये झुके नहीं, ये कैरेक्टर्स बनाते गए। 1929 वॉल्ट डिज्नी ने और सारे सिली सिम्फनीज हो गए, ठीक है, इसमें मिकी माउस के और मिकी माउस के परिवार को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, इसमें मिनी माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, डोनाल्ड डक मेरा फेवरेट है, ठीक है, मुझे मिकी माउस से ज्यादा डोनाल्ड डक पसंद है, गूफी हो गया और प्लूटो, वही जो प्यारा सा डॉग हमेशा कभी कभी मुसीबत जो है वो मिकी माउस के लिए खड़ी कर देता है, तो ये सब चीजें। और अब ये उतरे मूवीज में। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ था कि वॉल्ट डिज्नी इतना ज्यादा काम करने लगे, रातों रात दिन काम करते थे, और काम करते थे और काम करवाते भी थे, अपने एम्प्लॉयज को पकड़ पकड़ के काम करवाते थे, 24 घंटे इनके एम्प्लॉयज काम करते थे, तो यहां पे इनके एम्प्लॉयज भी पागल होते जा रहे थे। वॉल्ट डिज्नी छुट्टियां नहीं लेते थे, तो इनके डॉक्टर ने बोला कि आप आराम करो, ठीक है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, छुट्टी लो। तो 1931 में इन्होंने अपना पहला रियल वेकेशन लिया, वॉशिंगटन गए, क्यूबा गए, और वापस जब आए तो शिप से आए थे, क्रूज से आए थे, ये बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। और बहुत सारी कुछ इनको ये पता चला इसी दौरान वेकेशन के दौरान कि काम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, पोलो इन्होंने सीखा और भी बहुत सारी चीजें, वर्कआउट करने लगे डेली। वैसे आपको बता दूं, वॉल्ट डिज्नी फैमिली मैन थे, अपनी दोनों बेटियों से ये बेइंतहा प्यार करते थे। वॉल्ट डिज्नी बोलते थे कि मुझे अपनी बेटियों को पैम्पर करने दो, मैंने जो अपनी बचपन में, मेरा बचपन जो है जिस तरीके से मेरा बचपन गया, मैंने कभी भी बचपन देखा ही नहीं, मैं बहुत ही कम उम्र में बड़ा हो गया, तो मेरे बच्चों को ऐसा ना हो, अपनी बच्चियों को, अपनी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे ये, ठीक है। और एज अ बॉस भी बहुत बढ़िया थे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे मिकी माउस को आवाज भी देनी शुरू कर दी। और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉग, आज भी स्नो व्हाइट की कहानी आंखों में आंसू ला देती है। तो यहां पे ये जो मूवी थी स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉग्स, 75 मिनट की मूवी जिसपे कार्टून बने हैं, मूवीज बनी है, मैंने भी देखी, आप आई होप आपने भी देखी होगी, वो लॉस एंजलिस में इसको प्रेमियर किया गया दिसंबर 31 1937 को, 1937 को। और ये भी बहुत बड़ी सेंसेशन, लोग एकदम, क्योंकि यहां पे वॉल्ट डिज्नी को अब इन्होंने अपने एम्प्लॉय से बोला, क्योंकि जो पूरा काम था, जो कैरेक्टर्स ड्रॉ करते थे, वो सब इनके एम्प्लॉयज थे, इनके एम्प्लॉयज ही बनाएंगे, और एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था कि एक तय वक्त में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन इतना आसान तो था नहीं, 1200 लोग डिज्नी स्टूडियो में काम करते थे और बहुत ज्यादा प्रेशर था। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉग्स ये जो मूवी आई, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, और ये पहली मूवी थी, पहली फीचर्ड फिल्म थी जो यहां पे वॉल्ट डिज्नी ने बनाई। तो यहां पे बड़ी दिक्कत, बहुत कुछ करना, लेकिन इन्होंने तय वक्त पे ये पूरा किया, शूटिंग हुई और पूरा डायरेक्शन कंप्लीट किया, और अल्टीमेटली 21 दिसंबर 1937 में जब इसको प्रीमियर किया गया, सब लोग पागल हो गए, हर किसी ने बोला ऐसा हो कैसे सकता है, इतनी बेहतरीन। वॉल्ट डिज्नी ने बोला अब तक हमने लोगों को हंसाया है, बट क्या आप लोगों को रुला सकते हैं कार्टून के माध्यम से, ये कमाल। तो इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, स्नो व्हाइट का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, हर किसी ने ये मूवी देखी, बड़े बड़े स्टार्स आए और हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश था, ठीक है। और उसके बाद इनकी मूवी पिनोकियो, ये भी एक बेहतरीन, पानी के अंदर एक लड़का पानी के अंदर घूम रहा है, कमाल। फिर फैंटेसिया के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसमें मिकी माउस भी, इसमें आपको मिकी माउस भी देखने को मिलेगा। फैंटेसिया के लिए तो इन्होंने बहुत सारे, फैंटेसिया में इन्होंने सिम्फनीज डाल दी थी, बेथोवन की सिम्फनीज यूज कर दी थी, एंड स्पेस एंड टाइम के बारे में बता दिया था। बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाते थे, फिलोसफर्स को बुलाते थे, म्यूजिशियंस को बुलाते थे अपने स्टूडियो में, उनसे मीटिंग करते थे कि कैसे एनिमेटेड मूवी में ये सारी चीजें फिट कर सकूं। और फिर डम्बो अभी भी मूवी आई थी, ठीक है, वो हाथी जो उड़ सकता है, छोटा सा प्यारा सा हाथी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिज्नी के कैरेक्टर्स, तो उसमें मैं एक कैरेक्टर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो उसकी ये मूवीज के रीमेक भी बनते रहते हैं, ओरिजिनली 1941 में आई थी, लेकिन अभी इसी 2019 में डम्बो एनिमेटेड मूवी आई थी, वॉल्ट डिज्नी ने इसको दोबारा बनाया। उसके बाद 1942 में बैम्बी मूवी आई होप आपने देखी होगी, उसमें बड़ा ही इमोशनल सीन है, छोटा सा हिरण, ठीक है, और उसकी माँ हिरणी है ना, तो बेसिकली उन्हीं की कहानी है, ठीक है। और एकदम से जब शिकारी जो है वो जब हमला करता है, तो जो माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा भागो, तो छोटा सा जो हिरण होता है वो भागता है, लेकिन जब पीछे देखता है तो उसकी माँ नहीं होती, यानी कि शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया होता है, उसकी माँ ने बेसिकली अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो बड़ा इमोशनल सीन था। फिर सिंडरेला तो बहुत ही ज्यादा फेमस है आज भी,
1950 में इसको, ट्रेजर आइलैंड अगेन, एलिस इन वंडरलैंड बहुत ज्यादा हिट हुई थी 1951, पीटर पैन 1953, ठीक है। देखिए 1940 जब बैम्बी आई उसके बाद बैम्बी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, ठीक है, सारी मूवी शुरू में बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, बैम्बी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई। उसके बाद अब वॉल्ट डिज्नी के ऊपर प्रेशर आता जा रहा था, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी का जो डिज्नी स्टूडियो था वो लॉस में जाता जा रहा था, पैसे बहुत लगा रहे थे लेकिन रिटर्न इतना नहीं आ रहा था। इसका एक कारण वर्ल्ड वॉर टू भी था, 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था, तो वर्ल्ड वॉर टू डिस्पाइट ये सब कुछ डिज्नी कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहे थे। तो अब कुछ ना कुछ वॉल्ट डिज्नी को जरूर करना था, ऊपर से जो स्टाफ के साथ व्यवहार था वो भी खराब होता जा रहा था, स्टाफ बहुत ज्यादा परेशान होता जा रहे थे कि ऐसा भयानक बिहेवियर तो हमने देखा ही नहीं, काम करो काम करो काम करो, उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा स्टाफ जो है स्ट्राइक पे चला गया, है ना। और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी आए, वॉल्ट डिज्नी ने एक स्पीच दी, उन्होंने बोला कि जो तुमको काम दिया है वो करो बैठ के, इसमें क्या इतना तुम स्ट्राइक पे स्ट्राइक। वो और ज्यादा नहीं बने, और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो ये थोड़ा सा टग ऑफ वॉर जो है ये वॉल्ट डिज्नी और इनके स्टाफ के बीच में चलती रहती थी। तो जब सिंड्रेला आई 1950 में, जब सिंड्रेला को इन्होंने बनाया, ये भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई 8 साल बाद। और उसके बाद फिर बहुत सारी है, ट्रेजर आइलैंड, एलिस इन वंडरलैंड, पीटर पैन, लेडी एंड द ट्रैम्प, स्लीपिंग ब्यूटी 10, स्लीपिंग ब्यूटी 101 डालमेशियंस, ये सारी मूवी, ठीक है। और इसी दौरान 1948 में, क्योंकि एक बार ऐसा एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद वॉल्ट डिज्नी की ये भी कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए इनको बॉक्स ऑफिस हिट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। और वो सिंड्रेला के साथ आई 1948 में। दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने दूसरा ब्रेक लिया अपने करियर का, ब्रेक मतलब वेकेशन पे गए, बहुत ही कम वेकेशन वैसे वॉल्ट डिज्नी ने लिए हैं। और जब वापस आए वो वेकेशन पूरा, तब इनका नया प्यार था ट्रेन्स, और फिर इन्होंने सोचा कि अब हमको एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहिए जो हर किसी के लिए हो, और ये कमाल कर गया। वहां से डिज्नीलैंड जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर कोई यहां पे जाना चाहता है, पहला अम्यूजमेंट पार्क, ये किसी ने नहीं सोचा था लेकिन वॉल्ट डिज्नी के दिमाग से निकला ये। अब जब डिज्नीलैंड का आइडिया आया और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो डिज्नीलैंड के अंदर 4 लैंड आने थे, कौन कौन से, सबसे पहले था एडवेंचर लैंड, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रोलर कोस्टर राइड हो गई, और पूरा वो एक बड़ा सा तालाब, उसके बीच से ट्रेन जा रही है, बहुत ही खूबसूरत गुफाओं से होते हुए जंगलों को एक्सप्लोर करिए, सब आर्टिफिशियल था, अम्यूजमेंट पार्क या ऐसे अम्यूजमेंट पार्क ऐसे ही होते हैं। और डिज्नीलैंड की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ की टॉय ट्रेन, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वॉल्ट डिज्नी ट्रेन से बड़े ऑब्सेस्ड थे, तो टॉय ट्रेन से जो थी वो वॉल्ट डिज्नी को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। और यहाँ डिज्नीलैंड में आपको टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी, और अब तो इंडिया में भी जितने भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं वहां पे आपको ट्रेन देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, अगर ट्रेन नहीं हो अम्यूजमेंट पार्क में तो मजा ही नहीं आती है। सेकेंड यहां पे हम देखते हैं, पहला एडवेंचर लैंड, सेकेंड था ट्रेजरी लैंड, थर्ड था फैंटेसी लैंड, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंटियर लैंड, जो कि बड़ा हिट था, कैसे जवान लड़ते हैं, नए नए हीरोज को डिपिक्ट किया जाता था। तो ये सब बहुत ही बढ़िया, डिज्नीलैंड इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि करोड़पति से, लखपति से करोड़पति हो गए यहां पे वॉल्ट डिज्नी, और करोड़पति से फिर अरबपति, बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था डिज्नीलैंड। और उसके बाद डिज्नीलैंड को पूरी दुनिया में खोला जाने लगा, ठीक है, आज आपको हर जगह मिलेगा ये, यूरोप में हर जगह मिलेगा, एशियन कंट्रीज में भी, जापान में टोक्यो में है डिज्नीलैंड, पेरिस, हांगकांग, शंघाई, हर जगह आपको डिज्नीलैंड मिलेगा, भारत में भी खुल जाए मजा आ जाए, ठीक है। तो ये चीज थी 1925 में इन्होंने शादी की, 1925 ये इनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, 1925 यहां पे डिज्नीलैंड लिख दिया, पर्सनल लाइफ लिखना चाहिए था, लिलियन बाउंड से। और उसके बाद इनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो 65 साल की उम्र में हुई, ठीक है, लंग कैंसर था 1966 में वॉल्ट डिज्नी को, ये हम देखते हैं कि लंग कैंसर जो है 1964 में इनको डायग्नोज किया गया, और उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं था, और 65 साल की उम्र में 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी जो है वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन इस दुनिया को बहुत कुछ दे गए, इस दुनिया को एक मुस्कान दे गए, हंसी दे गए, और कार्टून्स दे गए। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इनका पूरा का पूरा डिज्नी वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए विनी द पू, बहुत ही प्यारा, बहुत ही विनी द पू तो हर किसी को मिल जाएगा, ये मोटा भालू, इसमें टिगर, विनी द पू जब कार्टून आता था तो टिगर और पिगलेट ये सब बहुत ही प्यारे लगते थे। ये देखिए डम्बो कितना क्यूट, ये उड़ सकता है, यहां से उड़ सकता है, ठीक है। ये देखिए लिटिल मर्मेड, मैं नाम भूल गया हूं, ये क्या था कार्टून का, मुझे नाम याद है, ठीक है। और ये डोनाल्ड डक, गूफी, क्या बात है, ठीक है। ये है आपका मिकी माउस, ये अलादीन, ठीक है, हम देख रहे हैं, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं कितने सारे कैरेक्टर्स, ये डालमेशियंस, ठीक है, प्लूटो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, प्लूटो आपको दिखा क्या, नहीं दिखा मुझे, प्लूटो नहीं दिखा यार। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं डिज्नी के, ठीक है,
ये देखिए डॉफ, सेवन डॉफ, स्नो व्हाइट, सिंड्रेला, सबके सब जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, ज्यादातर वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए थे डिज्नी ने। तो ये कहानी थी वॉल्ट डिज्नी की, आई होप आपको इंस्पायर की होगी, पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।